यस मैम। हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। कुछ आवाज नहीं आ रही है बेटा, तुम्हारा वॉल्यूम थोड़ा, हाँ अब बोलो। स्क्रीन दिख रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, सेकंड चैप्टर का कंटिन्यूएशन है, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स। हम अभी तक सेकंड चैप्टर में ये देख रहे थे व्हाट आर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मेटल्स के अंदर बीसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर, एससीपी स्ट्रक्चर, व्हाट इज एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट आर द डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इनसाइड द मटेरियल, एंड वैकेंसीज, वेरियस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, ये सब देख रहे थे। फिर करोशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ करोशन इज अवेलेबल एंड हाउ टू प्रिवेंट इट, ये भी देखा था। तो ये कंटिन्यूएशन टू द सेकंड चैप्टर, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स हम देखेंगे। हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ये बाय नेम से हम डिफाइन कर सकता है। व्हाट इज हॉट वर्किंग? हॉट वर्किंग मीन्स कोई भी मेटल को हम हीट करके फिर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। जो हीटिंग टेम्परेचर है अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, सो कोई भी मेटल का हम अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर हीट करके हैमरिंग फोर्स या कोई भी फोर्स अप्लाई करके शेप्स देते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग ऑफ मेटल। तुमने स्मिथी शॉप में देखा होगा, जो स्मिथी शॉप में ब्लैक स्मिथ क्या करता है, फर्नेस के अंदर कोल वगैरह डाल के हाइयर टेम्परेचर तक, मतलब व्हाइट कलर, ब्राइट कलर में कोल वगैरह रखेगा, उसमें स्पेसिमन को कोई भी, जैसे चिसल फॉर्म कर रहा है, कोई भी मेटल मेटल वर्किंग करना है, उसको उस फर्नेस के अंदर डाल के रेड हॉट कंडीशन तक पहुंचाता है। उसके बाद एनविल पे रख के हैमर फोर्स अप, 5 kg हैमर, 10 kg हैमर से फोर्स अप्लाई करेगा। एनविल में मान लो वी शेप एनविल पोर्शन में रख के मार रहा है, तो वी शेप मेटल मिलेगा। सो कोई मेटल को हम एबव रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल का जो शेप है ना वो चेंज हो जाती है व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू हायर टेम्परेचर। सो हायर टेम्परेचर में हम गर्म करके स्पेसिमन को फोर्स अप्लाई करने से वेरियस शेप्स ऑफ मेटल, टाइप्स ऑफ मेटल, जैसे कटोरी हो गया, प्लेट हो गया, चम्मच हो गया, कोई भी पार्ट मेटल पार्ट है उसको हम गर्म करके फोर्स अप्लाई करने से जो मिलता है ना, दैट इज कॉल्ड एज हॉट वर्किंग ऑफ मेटल। नाउ कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल क्या होती है? कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स में रूम टेम्परेचर पे विदाउट हीटिंग और लोअर देन द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हम हल्का सा गर्म करेंगे वो, उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। सो बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन हम हीट भी कर सकता है, अदरवाइज विदाउट हीटिंग एट रूम टेम्परेचर हम फोर्स अप्लाई करके कोई मटेरियल को ऊपर हम फोर्स लगा के शेप्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल। जैसे बेंडिंग वगैरह होती है नॉर्मल वर्कशॉप में, बेंडिंग वगैरह कॉपर मेटल में कोई बेंडिंग करनी है, वायर फॉर्मेशन करनी है, ये सबको मेटल्स को हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो विदाउट हीटिंग अगर हम कोई मशीन के ऊपर प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोल्ड वर्किंग। सो डेफिनेशन है, 2 मार्क क्वेश्चन में जरूर आएगा, वॉट इज हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल। ठीक है, ये है डेफिनेशन फॉर हॉट एंड कोल्ड वर्किंग। नाउ एडवांटेजेस, हॉट वर्किंग का एडवांटेजेस क्या है? जो मटेरियल को अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर गर्म करके हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उस हॉट वर्किंग में एडवांटेज क्या है? लार्जर डिफॉर्मेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड, मतलब डिफॉर्मेशन जो शेप्स है, जैसे टम्बलर बनानी है, ओके, स्टेनलेस स्टील टम्बलर बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, तो फॉर्म डिफॉर्मेशन मीन्स चेंज इन शेप।
So larger deformation can be accomplished, can be carried out. ये कह रहा है hot working पे. More rapidly, मतलब speedily, जल्दी. By hot working, since the metal is in plastic state, कोई metal को हम गर्म करने से it is turned into plastic state. उस समय में हम ज्यादा deformation, कोई भी complicated shapes बना सकता है metals पे. ये इसका advantage है. Next, porosity of the metal is considerably minimized. Materials के अंदर porosity रहेगा तो उसको हम मिनिमाइज कर सकता है. हॉट वर्किंग करने से मटेरियल के अंदर जो पोरस होल्स वगैरह जो अवेलेबल होती है वो कम मिनिमाइज हो जाती है. वो इसका एडवांटेज है. नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेटेड इम्प्यूरिटीज इफ एनी इन द मेटल और डिसइंटेग्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेटल. ओके, अलॉइंग एलिमेंट्स जैसे फॉस्फरस है, सल्फर है, ये सब अगर कास्टिंग मेथड में ओनली वन पॉइंट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया है, ओनली वन प्लेस में ज्यादा डिपॉजिट हो गया है, तो उसको हम रीहीटिंग करने से थ्रू आउट द मेटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. क्यों? अगर एक ही पॉइंट पे मान लो फॉस्फरस रहेगा, सल्फर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, तो वहां पर है मटेरियल ब्रिटल हो जाए, इट विल ब्रेक हो जाएगी, फेल्यूर ऑफ द पार्ट विल टेक प्लेस. इसलिए हम हीट करने से वो थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है थ्रू आउट द मेटल. नेक्स्ट एडवांटेज है, ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रीडिफाइंड. ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल मीन्स उसका जो शेप्स होती है, इंटरनल शेप्स होती है, वो चेंज हो जाती है. ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज रीडिफाइंड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड. ये ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का वो एक एग्जाम्पल है विद डायग्राम, मैं उसको एक मिनट शेयर कर रही हूँ. एक पीडीएफ कहाँ पर था, अडोबी वाला में. हाँ, इसमें देखो ये न्यू इमेज, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल का ये न्यू इमेज पीडीएफ विजिबल है बेटा? यस मैम. ओके, तो हॉट वर्किंग इसमें देखो, हॉट रोलिंग है ना, इट इज वन एग्जांपल फॉर हॉट वर्किंग ऑफ मेटल. हॉट रोलिंग में, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स में रीक्रिस्टल ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज होती है. कैसे? यहाँ पर देखो, दिस इज रोलर, अनदर रोलर रोटेटिंग, ये काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, ये क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में टू रोलर्स आर रोटेटिंग. तो यहाँ पर हम किस मेटल को कोल्ड वर्क, सॉरी हॉट वर्किंग, रोलिंग कर रहे हैं. रोलिंग मतलब क्या है, यहाँ पर देखो डायमेंशन बहुत बड़ा है, मतलब थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट से 40 mm है. रोलर्स के बीच में जो गैप है बहुत कम है, 20 mm है. तो ये 40 mm डायामीटर से 20 mm डायामीटर रिडक्शन इन साइज, रिडक्शन इन साइज. How it is possible? ये rollers है, ये fixed direction पे rotate हो रहा है with smaller gap. उस smaller gap के through हम metals को heat करके hot working में, ठीक है, heat करके pass करने से, तो इसका जो crystal structure है ना, grain structure, इसमें देखो बहुत बड़ा बड़ा crystals है, इसमें वो crystals elongate हो रहा है, फिर उसके बाद छोटा छोटा crystals बन गया है, रीक्रिस्टलाइज्ड ग्रेन स्ट्रक्चर. सो हॉट रोलिंग में क्या होती है, ग्रेन स्ट्रक्चर, कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर टू फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड इन हॉट वर्किंग ऑफ मेटल. वो है इसका एडवांटेज. सो दिस इज एडवांटेज ऑफ हॉट वर्किंग ऑफ मटेरियल, जो फोर्थ पॉइंट में एक्सप्लेन किया है ना, दिस वन. ग्रेन स्ट्रक्चर है बड़ा से छोटा, फाइन स्ट्रक्चर बन जाती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ड. फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इम्प्रूव हो जाती है हॉट वर्किंग के वजह से. नेक्स्ट, डिसएडवांटेज. व्हाट इज डिसएडवांटेज ऑफ द हॉट वर्किंग ऑफ मेटल? हॉट वर्किंग का डिसएडवांटेज क्या है? ड्यू टू हाई टेम्परेचर
a rapid oxidation or scale formation takes place on the metal surface. हम मेटल्स को गर्म करते हैं ना हॉट वर्किंग के लिए, फर्नेस में डाल के जब गर्म करते हैं, जो रैपिड ऑक्सीडेशन मींस, रैपिड मींस स्पीड है, जल्दी हो जाती है. ऑक्सीडेशन मींस ऑक्साइड लेयर. अगर हम स्टील पॉट को हीट कर रहे हैं फेरस ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम पॉट को हीट कर रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको अब्सॉर्ब करके ऑक्सीडेशन ऑक्साइड लेयर विल बी फॉर्म्ड व्हेन द मटेरियल इज इन हॉट कंडीशन. और ये जो लेयर होती है ना उस लेयर को हम स्केल कहते हैं. स्केल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ऑन द मेटल सरफेस. मेटल के ऊपर ऊपर एक लेयर बन जाएगा लीडिंग टू पुअर सरफेस फिनिश. इसके वजह से क्या होती है, मेटल के ऊपर अगर एक लेयर बन गया, ऑक्साइड लेयर बन गया, सरफेस फिनिश शाइनी अपीयरेंस नहीं रखेगा मेटल्स के ऊपर. सरफेस फिनिश, पुअर सरफेस फिनिश हो जाती है एंड लॉस ऑफ मेटल. लास्ट में वो स्केल है जो आप है आयरन ऑक्साइड है या जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो मेटल पाउडर फॉर्म में निकल जाएगा. सो मेटल भी लॉस होती है. सो ये है ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है विच लीड्स टू सरफेस पुअर सरफेस फिनिश एंड लॉस ऑफ मेटल. ये इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ द लॉस ऑफ कार्बन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्टील पीस बीइंग वर्कड द सरफेस लेयर लॉसेस इट्स स्ट्रेंथ. मतलब अगर स्टील पॉट को हम गर्म करते हैं वो क्या है, जो सरफेस के ऊपर कार्बन है उस कार्बन रिमूव हो जाती है. ओके, सरफेस से, अगर सरफेस से कार्बन रिमूव होती है द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज रिड्यूस्ड. ये अगर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल रिड्यूस हो रहा है इट इज अ डिसएडवांटेज है. व्हेन द पार्ट इज पुट टू सर्विस एप्लीकेशन में पार्ट जल्दी टूटने का, ब्रेक होने का चांसेस है. ओके, ये भी ये हॉट वर्किंग का एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, दिस वीकनिंग ऑफ द सरफेस लेयर मे गिव राइज टू फटीग क्रैक. जो सरफेस लेयर में मेटल रिमूवल के वजह से, स्केल फॉर्मेशन के वजह से जो मटेरियल रिमूव हो रहा है, वीकनिंग, वीक होती है मेटल, तो वो इट इंक्रीजेस द फटीग क्रैक. जो सरफेस के ऊपर मेटल सरफेस में फटीग क्रैक विल बी क्रिएटेड. सो अगर क्रैक क्रिएट होगा तो मेटल ऑटोमेटिकली फ्यू इयर्स में, फ्यू मंथ्स में टूट जाएगी. ये है इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, क्लोज टॉलरेंस कैन नॉट बी मेंटेनड. Close tolerance cannot be maintained means, अगर मान लो तुम्हें 20 mm diameter shaft create करनी है, तो वो hot working of metals में जब metal hot heating करते हैं, expansion will take place. जब cooling होती है, contraction will take place. So elongation and contraction takes place due to change in temperature. Okay, इसके वजह से 20 mm diameter shaft मुझे चाहिए था, वो when it is in hot condition it will be 21 mm diameter. जब cold room temperature पे metal पहुंच जाएगा उसका diameter 19 mm पर रखेगा. So close tolerance cannot be maintained in the hot worked metal. ये इसका disadvantage है. Next, it involves excessive expenditure on account of high cost of tooling. हाँ, इसको ये hot working में furnace चाहिए तो furnace का cost increase होती है. Hot object को हम handle करने के लिए tools वगैरह लेंगे, tongs वगैरह, फिर layers, बहुत सारा tools हमें purchase करनी पड़ेगी, तो वो उसका भी cost increase हो जाती है. So hot working of material increases the cost of the process. Okay, this is compensated by the high production rate, better quality of product. But ये है जो high cost है
प्रोडक्शन रेट, अगर हम हॉट वर्किंग करते हैं जल्दी जल्दी एक पार्ट को हम बना सकते हैं. सो हाई प्रोडक्शन रेट इज पॉसिबल एंड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑल्सो पॉसिबल, ये कह रहा है. ये है हॉट वर्किंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. इसमें किसी को कुछ डाउट है? इसमें किसी को कुछ डाउट है बेटा? नो मैम. ओके. इसमें हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स में फर्स्ट कैटेगरी है हॉट फोर्जिंग. फोर्जिंग है हॉट फोर्जिंग. दिस प्रोसेस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मेटल टू प्लास्टिक स्टेट, मतलब अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हीटिंग करते हैं. देन अप्लाइंग द प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करते हैं टू फॉर्म इट इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. डिफरेंट शेप्स साइज प्रोड्यूस करने के लिए हॉट फोर्जिंग में मेटल को प्लास्टिक स्टेट तक हीट करके फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं. अनलाइक रोलिंग, रोलिंग प्रोसेस जैसे नहीं है. द प्रेशर इन दिस केस इज नॉट कंटिन्यूअस बट इंटरमिटेंट. क्यों? फोर्जिंग में क्या करते हैं, इंटरमिटेंट मीन्स बीच बीच में रोकना है, रुक के फिर दोबारा अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं. मतलब जो रोलिंग में, हॉट रोलिंग में क्या करते हैं, रोलर्स अप्लाई द प्रेशर कंटिन्यूअसली, बट फोर्जिंग में इंटरमिटेंट. इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के फोर्स अप्लाई करते हैं. ये रुक रुक के कैसे फोर्स अप्लाई कर सकता है? हैमर को तुम ऊपर उठाओगे, फोर्स प्रेशर अप्लाई करोगे, फिर दोबारा ऊपर उठाओगे, फिर फोर्स अप्लाई करोगे. दिस इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट. सो हॉट फोर्जिंग में इंटरमिटेंटली द प्रेशर इज अप्लाइड. द हॉट मेटल पीस मे बी कंप्रेस्ड अलोंग इट्स लेंथ टू इंक्रीज इट्स क्रॉस सेक्शन. हॉट मेटल पीस को कंप्रेस करते हैं अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ वाइज हम फोर्स अप्लाई करते हैं टू इट्स क्रॉस सेक्शन. अलोंग इट्स क्रॉस सेक्शन टू इंक्रीज इट्स लेंथ, इंक्रीज करने के लिए. जैसे कनेक्टिंग रॉड वगैरह वन डायमेंशनली फोर्स अप्लाई करके उसका लेंथ को इंक्रीज करते हैं. विद इन अ क्लोज्ड कैविटी टू अक्वायर द शेप ऑफ दट, मतलब जैसे एनविल है, एनविल में क्या होती है, वी शेप में मेटल गैप होती है, उस गैप में मेटल को रख के हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वी शेप मेटल मिलेगा. तो वो एक क्लोज कैविटी मीन्स एक शेप है, जिस शेप हम फाइनल प्रोडक्ट में चाहते हैं उसको हम पहले से बना के डाई फॉर्म में रखते हैं, दैट इज क्लोज्ड कैविटी. कौन सा शेप हमें फाइनल प्रोडक्ट में चाहिए उस शेप में हम अप्लाई करते हैं, बेंडिंग, फोर्जिंग, ये सब हैमर से फोर्स अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करके रिक्वायर्ड शेप्स बनाते हैं. द प्रेशर मे बी अप्लाइड बाई हैंड हैमर और पावर हैमर. इसमें पावर हैमर में क्या है, इलेक्ट्रिकली फोर्स अप्लाई करते हैं, हैंड हैमर में मैनुअली हम अप्लाई करते हैं. ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हॉट फोर्जिंग. मैम आप पढ़ा रही हो, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. ओके सॉरी, अब आ रही है? यस मैम अब आ रही है. ओके सॉरी, यहाँ से हॉट एक्सट्रूजन से नहीं आ रही है ना?
यस मैम। ओके, अब इसमें देखो रैम है पिस्टन जैसे ही, तो रैम पिस्टन जैसे फोर्स को अप्लाई करता है बिलेट या मटेरियल, रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल क्या है, ये फिक्स्ड कैविटी मतलब डाई के थ्रू स्मॉल ओपनिंग है, ये स्मॉल ओपनिंग के थ्रू पिस्टन बिलेट्स को रॉ मटेरियल को प्रेशर करता है, सो दैट इट इज कमिंग आउटसाइड इनटू सिलिंड्रिकल ट्यूब शेप। ओके, दिस इज डायरेक्ट एक्सट्रूजन, जैसे हम टूथपेस्ट से क्रीम निकालते हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में बाहर आउटपुट आती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट एक्सट्रूजन। सो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में रैम पिस्टन विल अप्लाई द प्रेशर और फोर्स टू द बिलेट टू, सो बिलेट मीन्स रॉ मटेरियल, दैट रॉ मटेरियल थ्रू द स्मॉल ओपनिंग, डाई की स्मॉल ओपनिंग की थ्रू बाहर आएगा, ये एक्सट्रूडेड शेप है, दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या करते हैं, बिलेट मटेरियल यहाँ पर है, पिस्टन यहाँ पर है, तो ये पिस्टन के थ्रू यहाँ अंदर एक स्मॉल ओपनिंग रहेगा, जब ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं पिस्टन को अलोंग दिस डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड में जब फोर्स करते हैं तो यू जो प्रोडक्ट स्मॉल ओपनिंग के थ्रू, यहाँ पर डाई है, एक छोटा सा डाई इधर है, डाई है यहाँ पर अवेलेबल है स्मॉल ओपनिंग के साथ, जब पिस्टन को हम लेफ्ट डायरेक्शन पे मूव करने से रैम के साथ, रैम पिस्टन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन पे मूव होता है, तो उसके वजह से जो ये बिलेट है डाई की स्मॉल ओपनिंग की थ्रू बाहर इधर आ रहा है, दिस मेथड इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। सो ये डायरेक्ट एक्सट्रूजन मेथड है, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन मेथड है। यहाँ पर जो बिलेट है हॉट एक्सट्रूजन इसलिए कहते हैं, बिलेट इज हीटेड, यहाँ पर इंडक्शन हीटिंग के थ्रू बिलेट इज हीटेड, सो हॉट कंडीशन में बिलेट अवेलेबल, बिलेट के साथ डायरेक्टली रैम धक्का देता है तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्टली धक्का दे रहा है इस तरफ में डायग्राम पे, ये इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन है। ओके, ये है हॉट एक्सट्रूजन, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल का सेकंड तरीका है। सेम है दिस आल्सो एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट एक्सट्रूजन, इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन का एग्जाम्पल है। जो फाइनल प्रोडक्ट है हमें यहाँ पर इस शेप में मिलेगा, यहाँ पर ट्रायंगुलर ट्यूब मिलेगा, ये सर्कुलर ट्यूब मिलेगा, यहाँ पर ट्रायंगुलर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में क्या होती है, बिलेट मटेरियल को पिस्टन सीधा फोर्स अप्लाई करता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में निकलता है। So, ये डायरेक्ट एंड ट्यूब एक्सट्रूजन, ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड दिस वे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पे। नेक्स्ट हॉट स्पिनिंग, हॉट स्पिनिंग इज अ प्रोसेस, हॉट स्पिनिंग इज अ प्रोसेस इन विच द प्रेशर एंड प्लास्टिक फ्लो इज यूज्ड टू शेप मटेरियल। स्पिनिंग मे बी ईदर हॉट और कोल्ड एंड जनरली कैरीड आउट बाय अ स्पिनिंग लेथ। यहाँ पर हॉट स्पिनिंग कैसे करते हैं, ये शीट है, ठीक है, ये एक पतला सा शीट है, पहले एक सर्कुलर फॉर्म में सीधा रखेगा, तो ये हेड स्टॉक में मतलब लेथ में ये फॉर्मिंग टूल को फॉर्म ब्लॉक और फॉर्मिंग टूल कहते हैं। ये फॉर्मिंग टूल कौन सा शेप में है, सिलेंडरिकल शेप में है, तो ले हेड स्टॉक को हम टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन मूव करते हैं, ये शीट है, ये जो फॉर्मिंग टूल के शेप के हिसाब से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें यहाँ से सपोर्टिंग करते हैं टूल पोस्ट के थ्रू, हम यहाँ पर शेप्स को इंश्योर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेल स्टॉक रहेगा, यहाँ सपोर्टिंग हो रहा है, कंप्रेशन पैड इज अवेलेबल। यहाँ पर मान लो तुम एक टम्बलर बना रहे हो, टम्बलर शेप्स बना रहे हो, एक शीट स्टेनलेस स्टील शीट इधर रखा, लेथ स्टॉक की जो हेड स्टॉक को तुम मूव कर रहे हो, फॉर्मिंग टूल जब इस तरफ जाएगी, फॉर्मिंग टूल जब इस डायरेक्शन पे जाएगा, तो यू विल गेट अ
टम्बलर, ओके, स्टेनलेस स्टील टम्बलर बना रहे हो या कटोरी बना रहे हो, तो पहले तुम्हें एक स्टील मतलब शीट, स्टील शीट्स को प्लेस करनी है, फिर फॉर्मिंग टूल को अलविद हेल्प ऑफ हेडस्टॉक, लेथ की हेडस्टॉक के थ्रू फॉर्मिंग टूल को जब मूव करते हो टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ग्लास और कटोरी प्लेट्स वगैरह मिलती है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ हॉट स्पिनिंग. तो ये हॉट स्पिनिंग ऑफ मेटल है, वेरी थिन शीट से हमें एक प्रोडक्ट, स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स वगैरह, शीट से जो भी पार्ट हम बना सकते हैं वो उसको कढ़ाई वगैरह भी, एल्यूमिनियम कढ़ाई वगैरह भी ये हम बना सकते हैं हॉट स्पिनिंग मेथड के थ्रू. ओके, इसमें किसी को कुछ डाउट है हॉट स्पिनिंग में? नो. ठीक, ओके. नेक्स्ट कोल्ड वर्किंग. ये अभी तक हमने देख रहे थे थ्री मेथड्स, हॉट एक्सट्रूशन, हॉट रोलिंग, ये सब हॉट वर्किंग ऑफ मेटल था. नेक्स्ट अभी हम देख रहे हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. कोल्ड वर्किंग ऑफ को मेटल्स में क्या होती है कि मतलब हमें बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ओके, मतलब रूम टेम्परेचर पे कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ मेटल बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में कैरी आउट करते हैं. द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज हाई एज कम्पेयर टू हॉट वर्किंग ऑफ प्रोसेस. इसमें हाँ क्या होती है फोर्स, जो कोल्ड वर्किंग मेथड में हम लोअर टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर पे हम कैरी आउट करते हैं ना, तो इट मीन्स इट इज इन सॉलिड स्टेट में है, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, ज्यादा फोर्स का जरूरत है. हाइड्रोलिक जो प्रेस वगैरह होती है वो हाइड्रोलिक प्रेस है 14 टन 15 टन, इतना ज्यादा फोर्स को अप्लाई करता है हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह. सो कोल्ड वर्किंग करना है तो large force is necessary as compared to the hot working of metal, ye keh raha hai. Cold working process are also applied for soft material, otherwise workpiece will crack. क्योंकि हम ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं उसके वजह से मटेरियल क्रैक भी हो सकता है. तो इस सॉफ्ट में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हम सॉफ्ट मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं. In cold working process, strength and hardness is increased, but grain structure is distorted. एक advantage क्या है, cold worked materials में strength and hardness ज्यादा होती है. Okay, why? The जो direction है, fiber direction orientation है, one same एक one direction पे orientation होती है, उसके वजह से ज्यादा strength मिलती है. It is widely applied as a forming process of making steel product using pressing and spinning. Cold working में cold press, cold spin करते हैं. Advantages of cold working, CWP मतलब cold working process. Advantage क्या है cold working process का? Better dimensional control than hot working is possible. इसमें cold working of metals में better dimensional control. Dimension मतलब क्या है? उसका size है. 50 mm, 40 mm, कितना हम जरूरत है उसको control कर सकता है. Okay, अगर 40 mm diameter चाहिए, हम 39.5, 40.05, मतलब very close tolerance, close dimension maintain कर सकता है कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स पे. ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया. सेकंड, सरफेस फिनिश ऑफ द कंपोनेंट इज बेटर. इसके ऊपर जो कोल्ड वर्कड पार्ट्स के सरफेसेस है, फिनिशिंग, सरफेस फिनिशिंग अच्छा रहेगा. क्यों? हॉट वर्किंग में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हाई टेम्परेचर, कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर में हम कैरी करते हैं CWP में, तो ऑक्सीडेशन विल नॉट टेक प्लेस. अगर ऑक्साइड लेयर फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब गुड सरफेस फिनिश इज अवेलेबल कोल्ड वर्कड पार्ट्स में. स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल आर इंक्रीज्ड. ये स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस है कोल्ड वर्कड पार्ट्स में ज्यादा रहेगा. एडवांटेज है, it is an ideal method for increasing the hardness of those metal which do not respond to the heat treatment.
हीट ट्रीटमेंट यूजुअली प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए करते हैं। अगर कोई मेटल्स में हीट ट्रीटमेंट के वजह से प्रॉपर्टीज चेंज नहीं कर पाया, उसको हम कोल्ड वर्किंग करके उसका स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, ये कह रहा है। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ सीडब्ल्यूपी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। लिमिटेशन क्या होती है? ओनली डक्टाइल मेटल्स कैन बी शेप्ड थ्रू कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ये क्या है? डक्टाइल मेटल सॉफ्ट मटेरियल, जैसे अल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया। सो सॉफ्ट मटेरियल है जो डक्टाइल एंड मैलेबल होती है, उस दोस मेटल्स आर सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ये है इसका लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? जो ब्रिटल मटेरियल है, कास्ट आयरन जैसे ब्रिटल मटेरियल है, उसको हम कोल्ड वर्किंग करेंगे तो ब्रिटल नेचर के वजह से मटेरियल टूट जाएगी, इसलिए डक्टाइल मटेरियल्स आर सब्जेक्टेड टू कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो अगर मान लो हमारे पास ब्रिटल मटेरियल है, उस पर हम कोल्ड वर्किंग नहीं कर पाएंगे। ओके, ये इसका डिसएडवांटेज, लिमिटेशन मतलब डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज, ओवर वर्किंग ऑफ मेटल रिजल्ट इन ब्रिटलनेस। ज्यादा फोर्स लगाते हैं, मोर फोर्स, मोर स्ट्रेंथ इज अप्लाइड है प्रॉपर शेप को चेंज करने में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस पे, इसके वजह से मेटल है ब्रिटलनेस इम्पार्ट हो जाती है, ये कह रहे हैं। देन इट हैज टू बी अनिल्ड टू रिमूव द सेम। ओके, जो फोर्स अप्लाई करने से वजह से कोल्ड वर्कड पार्ट के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड, तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस को अगर ऐसे ही छोड़ दिया मेटल्स के अंदर, इंटरग्रैनुलर क्रैक, इंटरग्रैनुलर करोशन विल टेक प्लेस। इसलिए उस स्ट्रेसेस को जो कोल्ड वर्किंग में हैमर या हाइड्रोलिक प्रेस अप्लाई करने से जो इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुआ है मटेरियल्स के अंदर, उसको हमें अनीलिंग प्रोसेस कैरी आउट करके उस स्ट्रेसेस को रिमूव करते हैं, करना है। ओके, सब्सीक्वेंट हीट ट्रीटमेंट इज यूजुअली मोस्टली नीडेड टू रिमूव रेसिडुअल स्ट्रेसेस सेटअप ड्यूरिंग कोल्ड वर्किंग। हर एक कोल्ड वर्कड पार्ट सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट, मतलब अनीलिंग क्यों करनी है? जो स्ट्रेसेस डेवलप हुआ था ज्यादा फोर्स लगाने से, उसको हटाने के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं, करना है कोल्ड वर्किंग के बाद। मेटल सरफेसेस मस्ट बी क्लीन। हम पहले है मेटल जो कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं, उस मेटल सरफेसेस बहुत क्लीन होना चाहिए, स्केल फ्री भी होना चाहिए बिफोर कोल्ड वर्किंग। कोल्ड वर्किंग कैरी आउट करने से पहले मेटल सरफेसेस को बहुत अच्छी तरह क्लीन करके फिर फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लीन सरफेस हमें इंश्योर करना है। हॉट वर्कड मेटल हैज टू बी पिकल्ड इन एसिड टू रिमूव स्केल। हॉट वर्किंग मेटल्स पे क्या करते हैं? पिकलिंग करना पड़ती है, जो स्केल रिमूव हुआ, स्केल फॉर्मेशन होती है उसको रिमूव करने के लिए। अदरवाइज मतलब हमें कोल्ड वर्किंग कोई पार्ट कर रहे हैं, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हैज टू बी कैरीड आउट, तो पहले हमें पिकलिंग एसिड में डिप करके जो स्केल, अगर कोई ऑक्साइड लेयर है, उसको रिमूव करने के बाद ही कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करना है, ये कह रहे हैं। हायर फोर्सेस आर रिक्वायर्ड फॉर डिफॉर्मेशन। हाँ, ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगा क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मेटल रहेगा, उस पे तुम फोर्स अप्लाई करके एक पार्टिकुलर शेप्स देना है, तो ज्यादा फोर्सेस का जरूरत है। मोर पावरफुल एंड हेवियर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर कोल्ड वर्किंग। ज्यादा फोर्स अप्लाई करना ना, इसके वजह से जैसे 10 HP, 15 HP का हाइड्रोलिक प्रेस का जरूरत पड़ेगा ज्यादा फोर्स लगाने के लिए, तो वो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, ये कह रहा है। सो दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अब इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। ओके ओके। नाउ ये इसमें ना क्वेश्चन आंसर्स पार्ट थोड़ा सा है हॉट एंड कोल्ड वर्किंग ऑफ मेटल्स पे, उसको हम एक बार देखते हैं।
हॉट एंड कोल्ड वर्किंग का, इसमें एग्जाम में क्या कैसे क्वेश्चंस आएगा, व्हाट इज हॉट वर्किंग, स्टेट इट प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऐसे आएगा. सो मैकेनिकल वर्किंग ऑफ मेटल अबव रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर इज नोन एज हॉट वर्किंग ऑफ मेटल. उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज लिख दिया है हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स का. ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्राइब द, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ हॉट एक्सट्रूशन ऑफ ट्यूब्स. इसका भी हम डायग्राम के साथ देखा था, हॉट एक्सट्रूशन ऑफ ट्यूब्स, सर्कुलर में ट्रायंगल शेप में ट्यूब को एक्सट्रूशन मेथड में कैसे करते हैं, डायग्राम के साथ देखा था. नेक्स्ट हॉट स्पिनिंग, ये भी हम देखा है. राइट शॉर्ट नोट क्वेश्चन रहेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हॉट स्पिनिंग, तो हम डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करना हमें आना चाहिए, वो भी हमने देखा था उसमें. नेक्स्ट हॉट फोर्जिंग, ये भी दिस ऑल्सो वी स्टडीड. व्हाट इज हॉट फोर्जिंग, फोर्जिंग मतलब क्या होगा, पावर हैमर और फैन हैमर यूज करके मेटल को हीट करके फोर्स अप्लाई करते हैं एक शेप देने के लिए, दैट इज हॉट फोर्जिंग. हॉट ड्रॉइंग मीन्स, ड्रॉइंग मीन्स वायर फॉर्मेशन, वायर्स को अल्यूमिनियम वायर क्रिएट करना है, कॉपर वायर डेवलप करनी है, तो वो उसका रॉ मटेरियल को हीट करके वेरी स्मॉल डायामीटर ओपनिंग डाई के थ्रू खींचने से, ड्रॉइंग मीन्स खींचना गल, ओके, तो वो अब खींचने से तो यू विल गेट अ वायर, इलेक्ट्रिकल वायर फॉर्म, कॉपर वायर एल्यूमिनियम वायर्स मिलेगा ड्रॉइंग प्रोसेस के थ्रू, दैट इज हॉट ड्रॉइंग, हॉट ड्रॉइंग. What are the specific advantage limitation of cold working? हाँ, ये भी हमने discuss किया था, advantage disadvantages of cold working discuss किया था. What are the main characteristics of hot working of metal compared with cold working? हाँ, ये 10 mark questions में जरूर आएगा बेटा, table form में तुम लिखो comparison of hot working and cold working. Table में टू कॉलम्स बनाओगे, फर्स्ट में हॉट वर्किंग लिखो, सेकंड में कोल्ड वर्किंग लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, इसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है, इसका टेबल फॉर्म में हम डेफिनेशंस लिख के एग्जांपल्स लिख के उसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस वगैरह टेबलर फॉर्म में मेंशन करना है. 10 मार्क क्वेश्चंस में एग्जाम पे जो फाइनल एग्जाम होगी थियरी एग्जाम, उसमें compare the hot working and cold working of metals 10 mark questions में जरूर आएगा, very important है. ठीक है, ये hot rolling process है, crystal structure में change होती है, मैंने इसको explain किया था when I was explaining hot working of metal. Why forging generally preferred for those components which require high strength and resistance to shock. मतलब कौन सा पार्ट सब्जेक्टेड टू शॉक है, जैसे ट्रक वगैरह होती है, ट्रक वगैरह में जो स्प्रिंग्स होती है लीफ स्प्रिंग्स है, तो वो दो सार, सिमिलरली टू व्हीलर में भी, टू व्हीलर में फ्रंट डायरेक्ट फ्रंट में देखा होगा स्प्रिंग रहेगा शॉक अब्सॉर्ब करने के लिए, दो आर सब्जेक्टेड टू फोर्जिंग मेथड. क्यों, कोल्ड वर्कड पार्ट्स में, फोर्ज्ड पार्ट्स में वन डायमेंशनल डायरेक्शन पे, सिंगल डायरेक्शन पे all the fibers are oriented, so jada